कोई भी फेस्टिवल हो तो मिठाई के बिना तो अधूरा है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबका मनपसंद दूध पेड़ा। इसको बनाना भी बहुत आसान है और घर में रखे सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट से ये टेस्टी मिठाई रेडी हो जाती है। मैं जिंकी जैन एवरीथिंग यू लव में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले एक कढ़ाई हम गैस पर रखेंगे और उसमें हमें डालना है 1 लीटर फुल फैट मिल्क यानी गाढ़ा वाला दूध। जितना मिल्क हमारा थिक होगा उतना ही अच्छे हमारे पेड़े बनेंगे, एकदम सॉफ्ट पेड़े बनेंगे और मुंह में घुलने वाले पेड़े बनेंगे। फ्लेम को अब हम हाई रखेंगे और दूध को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। हमें दूध को गाढ़ा होने तक बॉईल करना है और अच्छे से ऐसे ही पकाते रहना है। जब तक हमारे दूध में एक उबाली नहीं आ जाती है हम उसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। और देखिए जैसे मैं चला रही हूँ वैसे ही आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। इसे ऐसे चलाने से हमारा दूध तली में नहीं लगेगा और बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा। आप चाहें तो दूध पैकेट वाला भी यूज कर सकते हैं, पर आपको याद रखना है कि हमारा दूध गाढ़ा यानी थिक होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे दूध में पहला उबाल आ चुका है। अब हम गैस की मीडियम फ्लेम कर देंगे और ऐसे ही दूध को बराबर चलाते रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि काफी दूध हमारा साइड में लग रहा है, तो थोड़ी थोड़ी देर में उसे स्क्रैप करते जाएं और इसे दूध में ही मिलाते जाएं। इससे हमारे पेड़े का टेस्ट भी डबल हो जाएगा और बहुत ही अच्छी थिकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे दूध की क्वांटिटी घटती जा रही है और हमारा दूध गाढ़ा होता जा रहा है। आप चाहें तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पर भी बॉईल कर सकते हैं, पर याद रखें कि हमें लगातार इसको चलाते रहना है। और आप देखेंगे हमारा दूध उबलते उबलते आधे से भी कम हो गया है। मुझे तो भाई ये दूध की खुशबू बहुत पसंद है। और आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है वैसे वैसे दूध का कलर भी बदलता जा रहा है। बहुत ही सौंधी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक शुगर क्यों नहीं डाली। चलिए इस स्टेज पर हम थोड़ी सी शुगर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच शुगर डाली है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर याद रखें दूध में भी अपनी मिठास होती है तो आप उसी अकॉर्डिंग शुगर ऐड करें। आपको अब गैस की फ्लेम लो करनी है और जैसे मैं लगातार चला रही हूँ वैसे ही लगातार आप चलाते रहें और साइड में स्क्रैप करते रहें जिससे हमारा दूध ना लगे। आप देख सकते हैं कि हमारा दूध पैन छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा पेड़ा बनाने के लिए दूध रेडी है। अभी आपको ये थोड़ा सा गीला लगेगा पर हम इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे तो ये अच्छी शेप पकड़ने लगेगा और हम पेड़े इजीली बना सकते हैं। इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से गाढ़ा भी हो जाएगा और हम इजीली पेड़े बना पाएंगे। आपको इसको इतना ठंडा करना है जितना आप इसको इजीली छू पाए। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक छोटा सा पीस लेना है पेड़ा बनाने के लिए। पेड़ा बनाने से पहले हम अपने दोनों हाथों को घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब आपको पेड़ा दोनों हाथों की हथेली के बीच ऐसे रखकर घुमाना है। आपको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से घुमाना है। अगर आपने थोड़ा सा भी हार्ड टाइट किया तो हमारा पेड़ा बिखर सकता है। जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ उसी तरीके से आप घुमाइए बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, एकदम बढ़िया पेड़ा बन जाएगा हमारा। चलिए हमारा पेड़ा बन चुका है। अब हम ऐसे ही सारे पेड़े अपने बना लेंगे। चलिए अब मेरे फेवरेट पार्ट की बारी आती है यानी ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर बादाम और केसर स्ट्रैंड से डेकोरेट किया है। आप चाहें तो किसी और ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे इसमें बादाम ज्यादा पसंद है इसीलिए मैंने बादाम का यूज किया है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार हैं हमारे स्वादिष्ट दूध के पेड़े, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, एकदम झटपट बनने वाले हैं। इनको बनाना इतना आसान है ये तो आपने देख ही लिया होगा। बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुलने वाले हैं ये। अगर आपने इनको एक बार बना लिया तो आप मार्केट के भूल जाएंगे, क्योंकि ये एकदम प्योर हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसमें सिर्फ हमने 2 ही इंग्रेडिएंट का यूज किया है जो आप सभी के घर पर इजीली अवेलेबल होता है। आप चाहें तो इसे 10 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। ये 10 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होते हैं, पर यकीन मानिए अगर आपने ये बनाए तो आपके ये 2 दिन में ही चट हो जाएंगे।
उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।